चलिए आइए इसी बीच रुक करते एक और बड़ी खबर का। सन हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि अब सन हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। लगातार सन हॉस्पिटल से शिकायतें मिल रही थी, मनमानी बिल बनाकर और पैसे वसूले जा रहे थे। सीएमओ कार्यालय पर ये शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है। जांच कमेटी टीम ने लाइसेंस रद्द करने की तैयारी भी की है। डीएम को फाइल देकर लाइसेंस को रद्द किया जा चुका है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट भी बनाई है और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़ चुके हैं। सूरज, सन हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई है, लाइसेंस भी रद्द किया जा चुका है, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बीते दिनों यहाँ पे एक सुल्तानपुर से मरीज आई, महिला मरीज आई थी और अपना इलाज के लिए लोहिया अस्पताल गई थी, जहाँ पे वहाँ लोहिया अस्पताल में सन हॉस्पिटल के जो दलाल थे वहाँ पे सन उनको बरगला के बहला फुसला के उनको सन हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कराया और 3 दिन में जो उनका इलाज चला उसमें 3.5 लाख से ज्यादा रुपए सन हॉस्पिटल ने उसका बिल बनाया। और जब परिवार वालों को ये बताया गया कि आप 3.5 लाख रुपए दीजिए बिल, वरना जो है हम आपको जाने नहीं देंगे, तो परिवार वालों ने उसका बिल मांगा। बिल मांगने पर सन हॉस्पिटल संचालक दिनेश पांडे क्रोधित हो गए और परिवारजनों को बंधक बनाकर उनको उनकी पिटाई कर दी। उसके बाद परिवारजन स्थानीय थाने पे गए, वहां पे अपनी शिकायत दर्ज की, जिसको पुलिस ने मुकदमा 420 का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। जी जी सूरज, ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी और भी लिस्ट तैयार की गई है जहां पर हॉस्पिटल जो है मनमाने तरीके से जो पैसे लूटते हैं। जी देखिए, लगातार सरकार व प्रशासन के आदेश के बाद भी लगातार लखनऊ में जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो मनमानी तरीके अपना रहे हैं, अपनी मनमानी बिल बनाते हैं और पेशेंट अगर उस बिल को जमा नहीं कर पाता जी, है बिल्कुल तो सूरज, और आगे भी सख्ती बढ़ती जाएगी इसी को लेकर। और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।